पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के द्वारा जो पहला कार्यक्रम हुआ था वो सही तौर पर सफल हुआ था, और ये दूसरा कार्यक्रम जो डांडी से होने वाला था, लेकिन कार्यक्रम होने से पहले ही गवर्नमेंट डरी हुई है और गवर्नमेंट ने 144 धारा लगाई हुई है और परमिशन भी नहीं दी। हम दो कम से कम 6 दिन के बाद, मतलब हमने अल्टीमेटम गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि अगले रविवार को उसी टाइम पर उसी जगह से हम आगे से जहां पर गांधी जी को अरेस्ट किया था वही ट्रेन से हम हमारी रैली की शुरुआत करेंगे, और उस वक्त ये परमिशन जो हम नए से मांगेंगे ठीक है, देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम सही मार्ग पर वहीं से अहिंसा के मार्गों पर हमारी मार्च करेंगे। हम गुजरात में शांति बनाए चाहते हैं और इसी वजह से हमने रैली अभी नहीं कर रहे, क्योंकि गवर्नमेंट समाज को आपस में बवाल कर कर गुजरात की शांति को अशांत में बदलना चाहती है, और इसीलिए हमने आज की रैली को यहाँ पर मौकूफ रखा हुआ है। रविवार को, अगले रविवार को 13 तारीख को रैली होगी और सही तौर से आन बान शान से होगी। हम गुजरात के पूरे जनता को, जो हर समाज से समुदाय से, उनसे विनती करते हैं कि हमें आपस में कोई झगड़ा ना चाहता है तो हम उसमें ना आए, और हम जो भाईचारा रखना चाहते हैं गुजरात में और खूब गुजरात का विकास चाहते हैं तो हमें आपस में नहीं लड़ना और इस हमारे समाज की हक की लड़ाई में हमें सहयोग देना है। अगर गवर्नमेंट आपको अगर परमिशन नहीं देते हैं तो आपका रवैया क्या? नहीं, हम अब इस बार हमने गवर्नमेंट को सहयोग दिया है, कायदा कानून को सहयोग दिया है, अगली बार अगर हमें सहयोग देते हैं नहीं देते हम अपनी रैली उसी जगह से करेंगे। ये रैली रहेगी कैसे रहेगी, मतलब थोड़ा डिटेल में बताएं। जो जिस प्रकार पूरा डेटा तैयार किया था यहाँ के जी समिति है उन्होंने, कि जिस प्रकार भी रोज 20 किलोमीटर चलेंगे लोग, हम खुद इसमें चलेंगे, और हर जगह गांव में हर शहर में रात को सभाएं होगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा, पूरे समाज को इसके दौरान संगठित किया जाएगा। कम से कम 12 लाख लोग इसमें जुड़ने वाले थे जहाँ से शुरू होती है जहाँ पर ख़त्म होगी, और किसी पर अत्याचार नहीं करना, हमें भाईचारा रखना है और अहिंसा के मार्गों पर ही रैली होती है।